आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ही दोनों स्मार्टफोन के बारे में। ये इससे पहले का वेरिएंट आया था ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F21S Pro 5G। जी हाँ, और उसके लेटेस्ट जो वेरिएंट लॉन्च किया है ओप्पो ने, वो है ओप्पो F23 5G। इन दोनों के बीच का F22 कहाँ गया वो हमें भी नहीं पता, बट अभी लेटेस्ट में ही 2023 में 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है ओप्पो ने F23 5G। इन दोनों की कंपेयर वीडियो लेके आया हूँ कि आपको क्या अपग्रेड फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में, क्या आपको डिजाइन में आपको कैसा स्मार्टफोन देखने को मिलता है, क्या हमें पुराना वाला ही स्मार्टफोन रखना चाहिए या हमें अपग्रेड करना चाहिए F23 के साथ में। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिजाइन को लेके। तो एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन फील होता है हमें F21S Pro 5G। इनमें तीन कैमरे का आपको सेटअप दिया गया है, काफ़ी एक नॉर्मल सा डिजाइन और काफ़ी एक अच्छा सा भी ये फील होता है, ग्लोसी सा डिजाइन इसमें फील होता है। F23 5G की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको तीन कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, बड़े बड़े इसमें लेंसेज दे दिए गए हैं और काफ़ी एक बड़ा सा ये स्मार्टफोन फील होता है इन हैंड। अगर मैं स्लिम और थोड़ा सा अच्छे लुक की बात कर लेता हूँ, तो मेरे को पुराने वाला ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा है लेटेस्ट वाले से, क्योंकि एक स्लिम सा ये स्मार्टफोन है, कॉम्पैक्ट सा ये फील हो रहा है। पोर्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, इन दोनों ही स्मार्टफोन में सेम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 3.5mm जैक, माइक, स्पीकर वगैरह, ये सारे ही स्मार्टफोन में इन दोनों में दिए गए हैं, बट इनमें काफ़ी एक बड़ा डिस्प्ले को लेके चेंजमेंट हुआ है। F21S Pro 5G जो स्मार्टफोन है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है एमुलेट डिस्प्ले के साथ में, बट F23 जो लेटेस्ट वाला स्मार्टफोन है उसमें आपको फुल HD IPS डिस्प्ले दे दी गई है, वो भी साइड फिंगरप्रिंट के साथ में। 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई है F23 में 5G में, जो अभी लेटेस्ट हुआ लॉन्च हुआ है। यहाँ पे 6.43 इंच दे दिया गया है आपको F20S Pro 5G में, वो भी एमुलेट डिस्प्ले है, 90Hz के साथ में ये काम करता है, बट लेटेस्ट वाला 120Hz पे ये काम करता है। दोनों में सेल्फी कैमरा पंच होल दे दिया गया है, बट F23 में सेंटर में दिया गया है, यहीं पे F21S Pro में आपको साइड पंच होल कैमरा दिया गया है सेल्फी वाला। साथ में परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695, कोई भी चेंजमेंट इनमें नहीं दिया गया है। साथ में ही अगर मैं बैटरी परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं, तो F23 में थोड़ी सी बैटरी बढ़ा दी गई है, 5000mAh की बैटरी करके 67W का चार्जर दे दिया गया है। पुराने वाले में आपको 4500mAh बैटरी के साथ में 33W का वो चार्जर देखने को मिलता है। वेरिएंट की मैं बात कर लेता हूं, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम देखने को मिलती है, बट 256GB मेमोरी आपको F23 में दे दी गई है, और यहीं पे पुराने वाले मॉडल में आपको 8GB रैम 128GB मेमोरी देखने को मिलती है। लेटेस्ट वाले में आप 8GB रैम वर्चुअली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ओल्ड वाले में आप 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। OS की बात कर लेते हैं, तो पुराने वाले में आपको कलर OS 12.1 देखने को मिलता है, लेटेस्ट वाले में आपको 13.1 देखने को मिलता है। दोनों में ही एंड्रॉयड सिस्टम का भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता है, पुराने वाले में एंड्रॉयड 12 दिया गया है क्योंकि वो उस टाइम पे एंड्रॉयड 12 ही चल रहा था, अभी लेटेस्ट वाले में एंड्रॉयड 13 दे दिया गया है। अगर मैं कैमरे की बात कर लेता हूँ, तो मेगापिक्सल दोनों में ही सेम देखने को मिलती है, 64MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 2+2MP का आपको सेकेंडरी कैमरे देखने को मिलते हैं, बट F23 में आपको मैक्रो लेंस की क्वालिटी काफ़ी एक बेटर दे दी गई है, 40x तक आप इसमें जूम कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा लेटेस्ट वाले में एक्सपेंड कर दिया गया है 32MP का, बट आपको पुराने वाले में 16MP देखने को मिलता है। साथ में जो लेटेस्ट वाला है उसमें आपको बैटरी हेल्थ भी आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है इस स्मार्टफोन में। अगर मैं दोनों स्मार्टफोन में मैं मेरा रिव्यू देता हूं, तो डिजाइन वाइज मेरे को पुराना वाला स्मार्टफोन ही काफ़ी एक बेटर निकला है। एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन हुआ है, छोटे छोटे कैमरे दे दिए गए हैं, वो काफ़ी एक बेस्ट कैमरे रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हैं। जो कैमरे के साथ में जो रिंग लाइटें जलती है वो काफ़ी एक अच्छा इसमें हमें डिजाइन देती है, एमुलेट डिस्प्ले हो जाती है, काफ़ी एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। साथ में जो लेटेस्ट वाला स्मार्टफोन है वो एक काफ़ी एक बड़ा सा फील होता है ये स्मार्टफोन में, डिस्प्ले भी IPS दे दी गई है, साथ में ही
प्रोसेसर इन दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलता है, कैमरा भी मोस्टली सेम ही देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट वाले में इतने ज़्यादा अपग्रेड लेके नहीं आए हैं ओप्पो वाले। तो आप अगर जिनके पास भी पुराने वाला F21 S Pro 5G स्मार्टफोन रखा है तो वो भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, अपग्रेड करके कुछ ज़्यादा बड़े चेंजमेंट नहीं हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।